सो फाइनली चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट? तो एक ये टोपोलॉजी है, अगर आप देखेंगे GNS3 में बना के रखी है हमने, सेम टोपोलॉजी हम यूज करेंगे अपने लैब के लिए। तो इस टोपोलॉजी में अगर आप देखेंगे मेरे पास क्या है, तीन राउटर्स है, राइट? सो देर इज दिस वन राउटर BR1 बेंगलोर, BR2 दिल्ली इज द सेकेंड राउटर एंड ISP राउटर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कि जो मेरा ये है, इट इज लाइक माई फर्स्ट लैन, है ना? तो ये मेरा, इसीलिए इसको ना लैन टू लैन वीपीएन भी बोला जाता है। मान लीजिए इधर मेरा एक लैन है, नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर इसको बोल दो कि साइट वन है मेरी। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास इस साइड में एक अनदर साइट है मेरी, ठीक है? और ये दोनों साइट है मेरे को जोड़नी है, मे बी दोनों नॉर्मल साइट से ब्रांचेज है, या फिर एक हेडक्वार्टर है और एक मेरी नॉर्मल ब्रांच है, वट एवर। तो ये मेरा इधर का लोकल एरिया नेटवर्क। तो मैंने लोकल एरिया नेटवर्क क्या बनाया है अपने इस बैंगलोर वाली साइड पे, ये मैंने लूप बैक 0 से 10.1.0.0/24, ठीक है? और आई गेस मैंने ये 16 लिया होगा, देख लेंगे जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता। 10.0.10.2.0.0/16 होगा ये भी, एज आई रिमेम्बर, है ना? चलिए जी, तो ये मेरी लैन साइड। तो इधर लेट से कुछ स्विच वगैरह लगे हैं या यूजर वगैरह होंगे ना, तो उस पे ये 10.1 का नेटवर्क चल रहा होगा और इधर वाली साइड आपका 10.2 का नेटवर्क चल रहा होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये ISP राउटर, एक्चुअली देखो इस लैब के लिए तो मैंने यहाँ पे ISP को यू नो सिंगल राउटर ले रखा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इधर ISP का अलग राउटर इनके कनेक्शन के लिए होगा, इधर ISP का अलग राउटर इनके कनेक्शन के लिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और यहाँ पे ये होगी आपकी इंटरनेट, ये एक्चुअल इंटरनेट है। अब बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, BGP वगैरह, वो अभी हम इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, बट यस ऑब्वियसली एक्चुअल नेटवर्क ये रहेगा इस तरह से, है ना? तो आपको यहाँ पे एक सेट ऑफ IP मिलेगा इस पेयर पे, इस लिंक पे, है ना? यहाँ पे लेट मी रिप्रेजेंट इट विद दिस डिफरेंट कलर, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं आपको IP कौन सा मिला हुआ है, 155.1.1.1, ठीक है? और इस एंड पे .2 है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे आपको मिल चुका है लेट से इस एंड पे, यहाँ से इस लिंक पे 175.1.1.1, और इस पे आपको मिला हुआ है .2 जो यहाँ पे, ठीक है? सो ये ISP का कनेक्शन हो गया। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका इंटरनेट चल रहा होगा, आपने इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ लिया है, इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ लिया है, और वो इंटरनेट चल रहा है आपका। पर अपनी टोपोलॉजी में मैं इंटरनेट कैसे दिखाऊं भाई, कनेक्टिविटी हो रही है मेरी, है ना? मतलब ये नॉर्मली आपका कोई क्लाइंट होगा, यहाँ पे इस साइड लैन में आपका कोई सर्वर पड़ा होगा, तो सर्वर की IP है लेट्स से 10.2.5.9। तो अब अगर ये बंदा इंटरनेट से मान लो पिंग करता है उस IP को, या फिर उसका कोई आपका वेबसाइट होगी, वो वेब पेज इस पे जाएगा ब्राउजर में और उसको एक्सेस कर पाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से मैं एक डिफॉल्ट रूट डाल दूंगा इस साइड के लिए, इधर से एक डिफॉल्ट रूट डाल दूंगा इस साइड के लिए, और ISP पे डाल दूंगा स्टैटिक रूट, एक इधर जाने के लिए 10.1 के नेटवर्क से और एक इधर जाने के लिए 10.2 के नेटवर्क से, ठीक है? तो क्या होगा, आप यहाँ से 10.1.1.1 से जो लूप बैक पे IP होगी, पिंग कर पाओगे आप 10.2.1.1 को, मतलब ये दोनों साइड्स, हियर टू हियर एंड हियर टू हियर, दे विल बी एबल टू पिंग। तो यहां से मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ कि लेट से ये आपका इंटरनेट चल रहा है नॉर्मल, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इनक्रिप्शन, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं है, और आप उस कम्युनिकेशन को अब सिक्योर करना चाहते हो बाय यूजिंग दिस IPsecVPN, साइट टू साइट IPsecVPN से। आई गेस इतना पॉइंट आपको हो गया होगा क्लियर, ठीक है? सो काफी लंबी एक्सप्लेनेशन होगी, है ना? बट एनीवे, अगर हम अगली स्लाइड पर चलें, तो यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए डिफॉल्ट रूट भी, IP भी, नेटवर्क भी, और आपका ISP पे स्टैटिक रूट भी। इतना करने के बाद तक हमारी कनेक्टिविटी ब्रांच वन से ब्रांच टू तक हो चुकी है, नॉर्मल कनेक्टिविटी है। अपने को अभी ये सिक्योर करनी IPsecVPN से, ऐसा मत सोचिएगा IPsecVPN आपको कनेक्टिविटी देगा, नहीं, वो कनेक्टिविटी के ऊपर चलेगा आपके इंक्रिप्शन वगैरह के लिए। अब जरा यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों एंड पे, कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं एक बार। जो मेरा ब्रांच वन बेंगलोर वाला राउटर है, दिस वन, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है, तो दो फेज होते हैं, हमने देखा था ना, आइक फेज वन, आइक फेज टू। तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फेज वन की कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो हमने देखा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी एसोसिएशन के पैरामीटर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हैगल, है ना, ये कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे पहले। और ये अगर आप देखोगे दोनों साइड ये मैचिंग है, कैसे, आपने एक पॉलिसी नंबर दे दिया क्रिप्टो आइजा कैम्प पॉलिसी। आइजा कैम्प क्यों, क्योंकि जो टनल वन है, फेज वन की जो टनल है उसको आइजा कैम्प टनल बोलते हैं, ठीक है, की एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट के लिए। तो सेम यहाँ पे आइजा कैम टनल नंबर ये सेम रख लो, चलो अच्छा है, मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। देन ऑथेंटिकेशन क्या रखा है, प्री शेयर, यहाँ पे भी क्या रखा है, प्री शेयर। इनक्रिप्शन 3DS AES भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम होना चाहिए दोनों साइड। हैशिंग नहीं भी डालोगे तो वो डिफॉल्ट उठा लेगा, बट आपने प्रेफर किया है MD5 तो इधर भी MD5। ग्रुप टू तो सिक्योर नहीं है, रियल वर्ल्ड में यू विल नॉट यूज टू, है ना, ऑब्वियसली, बट हायर नंबर, यहाँ पे लैब है, सिर्फ करके देखना हो रहा है कि नहीं, तो एनी नंबर विल बी सफिशियंट। चलो इतना डन हो गया काम हमारा, और ये हो गया है एक दूसरे पे सेम एग्जैक्ट, यू नो, मिरर इमेज कॉपी कॉन्फ़िगरेशन की। चलो जी इतना काम हो गया हमारा, उसके बाद अपने को ऑथेंटिकेशन का जो मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है, कौन सा मेथड बताया है हमने, ये बताया प्री शेयर, ठीक है। तो इस प्री शेयर मतलब कि प्री शेयर का क्या होता है, एक पासवर्ड दोनों साइड, एक की जो सेम हो। तो यहाँ पे आप बताओगे कि क्रिप्टो आइजा कैम्प टनल के लिए जो फर्स्ट टनल थी, जो की है वो होने वाली है सिस्को 123। अब ये जो की है ये दोनों साइड आप देखो सेम है, ठीक है। एड्रेस में क्या आएगा, इसके लिए ये पियर का आईपी क्या है, 175.1.1.1, और इसके लिए इस पियर का आईपी जो क्या है, 155.1.1.1, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें एड्रेस उस पियर का है और इसमें एड्रेस इस पियर का है, R1 पे R2 का, R2 पे R1 का। फेज वन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है जी हमारी डन, राइट। उसके बाद चलते हैं फेज टू की कॉन्फ़िगरेशन की साइड। फेज टू की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है आपका, हमने बोला था फेज टू यूज करता है आपका ट्रांसफॉर्म सेट, क्रिप्टो ACL एंड क्रिप्टो मैप। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक ट्रांसफॉर्म सेट, कोई भी नाम दे दो, ठीक है, R1 R2। यहाँ पे आपको अगेन मैंने क्या बोला था, इसमें भी हमें पैरामीटर वो क्या कराने पड़ते हैं, नेगोशिएट। तो ESP3 क्या बता दिया मैंने यहाँ पे, एनक्रिप्शन के लिए। ESP SHA-HMAC किसके लिए बता दिया मैंने, हैशिंग के लिए। और सेम टू सेम आपको करना है इस साइड पे भी, ठीक है, एक ही लाइन में बता दिया हमने, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें एंटर करके आगे एक एक करके डाला था, इसमें एक ही लाइन में हमने सारा लिख दिया ट्रांसफॉर्म सेट में, ठीक है। चलिए फिर एक लिस्ट बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड है 101, और परमिट करेंगे ये हमारे लिए R1। इसकी अगर आप बात करो ना ब्रांच वन के लिए, तो ये आपका सोर्स है, और कहाँ तक जाना है इसको, इस डेस्टिनेशन तक। तो देखो हमने बता दिया कि भाई परमिट कर दो इस IP की ट्रैफिक को, जिसका ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ये मतलब ये आगे गया हुआ है, थोड़ा देख लेना है। अगर मैंने यहाँ पे /24 किया है फिर तो ये ठीक है, /16 किया होता फिर वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आ जाएगा, 0.0.255.255, सीधा ये बन गया ट्रांसफॉर्म सेट, ओके। उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी आपकी, क्रिप्टो मैप की। यहाँ पे हमने एक काम तो कर दिया, कौन सा, ट्रांसफॉर्म सेट बना दिया, एक काम कर दिया कौन सा, एक्सेस लिस्ट बना दी, सेम काम यहाँ पे और सेम काम यहाँ पे। फिर बनेगा तीसरा काम, क्रिप्टो मैप। हमने क्या बोला था, क्रिप्टो मैप का काम क्या है, इसको इसको दोनों स्टेप को एक साथ जोड़ देना, ठीक है, मतलब कंबाइन कर देना फेज टू की सारी कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, क्रिप्टो मैप बना दिया आपने सी मैप के नाम से, कुछ भी नाम हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्म सेट का भी और इसका भी कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। और ये नंबर है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा मैं इसको हटाऊं इधर से, ये देखो ये नंबर है 10, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक नंबर ये ले लिया था, यहाँ पे भी आप कोई भी नंबर्स में इतना वो नहीं है कि मैच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके अंदर जो पैरामीटर है वो मस्ट मैच करने चाहिए ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और किसके लिए बनाना है आपको, IPSec आइजा कैम्प, देखो कंबाइन करवाना ना, सी मैप का काम ही क्या है, दोनों टनल को एक साथ यू नो एक कोरिलेट करवाना, ठीक है जी। मैच करवा दो किस, कौन सी ट्रैफिक को, जो एक्सेस लिस्ट 101 से जुड़ी हुई है, 10.1.0 से जाने वाली 10.2.0 तक, ठीक है जी। पियर कौन है, जो आपने यहाँ पे डाला है सेम टू सेम वही एड्रेस R2, मतलब कि जो आपका दिल्ली वाले राउटर की IP है। फिर ट्रांसफॉर्म सेट में ये जो पैरामीटर आपने सिक्योरिटी एसोसिएशन के थे वो बता दो, कौन से पैरामीटर जो इस ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर है वो ये उठा ले, बस एग्जिट। तो इतना काम ये हमने क्या किया है आपका, क्रिप्टो मैप
के अंदर सारी की सारी चीजें डिफाइन करी हैं, कंबाइन करी हैं, मैप कह दो करी है। फाइनली अपने को फिर क्या करना होता है, इस क्रिप्टो मैप को यहां पे अप्लाई करना होता है। तो इसके केस में ये एफ ए 0/0 है, यहां पे अप्लाई कर दिया। इसके केस में ये एफ ए 1/0 है, इस पे अप्लाई कर दिया। इतना होने के बाद देखिए होगा क्या, जब आप ट्राई करोगे यहां से यहां पिंग करने का 10.1.1.1 से, है ना, और 10.2.1.1, ठीक है। अगर आप पिंग नहीं करते और फिर वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन की कमांड्स क्या है, शो क्रिप्टो, अगर आपको चेक करना है फेज वन की टनल, है ना, आइजा कैम्प, तो क्रिप्टो आइजा कैम्प एस ए सिक्योरिटी एसोसिएशन, या फिर इसकी जगह पॉलिसी लिख दो, पॉलिसी चेक करनी है तो हम पहले एसोसिएशन चेक करेंगे। फिर आपको लेट्स से चेक करना है फेज टू कौन सा है, जिसमें आईपी सेक टनल बनी है, शो क्रिप्टो, क्रिप्टो कीवर्ड याद रखना है यहाँ पे, है ना, आईपी सेक, फिर क्या, सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो ये तब तक आउटपुट नहीं आएगी जब तक आप कोई ट्रैफिक जनरेट नहीं करोगे, है ना। हमने क्या बोला था, ACL का काम ही क्या, आपको ट्रैफिक इनिशियलाइज करना, इंटरेस्टेड ट्रैफिक इनिशियलाइज करना। तो पहले पिंग करेंगे फिर इसमें आउटपुट वगैरह आएगी आपकी। ओके, सो आई गेस ये काफी है, इतनी एक्सप्लेनेशन। बार बार आप भी बोलोगे कि सर सब कुछ करा दिया, लैब नहीं करके दिखाई। चलो जी अब लैब करके, पता क्यों, क्योंकि इतना होने के बाद लैब, फिर मैंने जैसे बोला था लास्ट टू लास्ट वीडियोस एक दो में, कि वो फिर मजाक हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं समझ आएंगी, स्टेप्स और ये कोरिलेशन, तो फिर भाई उलझे रहोगे, है ना, बार बार कभी ये वीडियो देख ली, कभी वो वीडियो देख ली, एंड एवरीथिंग। अच्छा एक सेकेंड इस पे आगे, हाँ ठीक है, बाकी ये तो फिर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, सारी थियरी लिखी हुई है यहाँ पे। GNS3 पे चलते हैं, और यहां से मैंने एक्सेस करके रखे हुए हैं सारे राउटर, आप आईपी चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब आप अगर चेक करेंगे, राउटिंग वगैरह मैंने सब कर रखी है, शोरन में अगर आप इंक्लूड करो आईपी रूट, तो दिख रहा है इस पे भी रूट होगा, ब्रांच टू पे भी होगा एक डिफॉल्ट रूट, और आईएसपी पे भी होंगे दो स्टैटिक रूट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए जी पिंग करके देख लेता हूँ, 10.2.1.1 जो कौन है, मेरे इधर वाले राउटर का लूप बैक, दिस वन, है ना। कहां से, सोर्स मैं बता दूं, 10.1.1.1 से पिंग आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, रिचेबिलिटी है, ओके रिपोर्ट है। इसके बाद अपने को करनी है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट, आईपी सेक वीपीएन, मैंने रखी थी कहीं पे, ये वाली है। सो हम क्या करते हैं, ये आईपी एड्रेसिंग कर रखी है, ठीक है, आईएसपी पे, ब्रांच वन पे, ब्रांच टू पे, रिचेबिलिटी के लिए मैंने राउटिंग कर रखी है। ओके, अब बात आती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी सेक वीपीएन, फेज वन फेज टू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके एग्जैक्ट, अब इतना बताने के बाद तो आई गेस यार अभी तो दोबारा से अपने को कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन, है ना, अदरवाइज इट विल बी रिडंडेंट एंड ओवर। तो थर्ड मोड में चलते हैं, एंड मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, पेस्ट, ठीक है, आइजा कैम्प टनल ऑन हुई। ओके, सेकंड पे भी चलते हैं, अगर कुछ गलती नहीं हुई होगी हमसे तो मान के चलते हैं कि ये सब कुछ मैंने ठीक कर रखा है, अदरवाइज देखते हैं फिर ट्रबल शूट करेंगे कुछ प्रॉब्लम हुई तो। तुम तो ये उम्मीद किया करोगे कि यार गलत हो जाए, फिर ट्रबल शूटिंग में ही तो ज्यादा सीखने को मिलता है ना, उसी में मजा आता है। चलो हो गया है ये काम अपना। अब अगर मैं यहां से चेक करूं पिंग अगेन, लेट्स से पिंग से पहले एक बार मैं दिखाता हूँ, शो क्रिप्टो आई पी सेक, नॉट आई पी सेक, आइजा कैंप एस ए, कुछ नहीं है, ठीक है, शो क्रिप्टो, क्रिप्टो आई पी सेक ऐसे। अभी आप देखोगे कोई भी पैकेट इनकैप्सुलेटेड नहीं है, कोई भी पैकेट इनक्रिप्टेड नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई ट्रैफिक आई ही नहीं है उसके पास, ठीक है, किसको करेगा इनक्रिप्ट वो, ठीक है। अब इसको ये जरूर पता है एंड पॉइंट कौन से आपने बताया हुआ है, 155.1.1 आप हो, और यह है लोकल, रिमोट कौन है जो आपने बताया था, पियर 175.1.1, इसके लिए लोकल कौन होगा, 175, एंड रिमोट कौन होगा जो आपका उधर वाला, ठीक है। सो लोकल ये है और रिमोट ये है। चलिए जी मतलब कुछ तो हो रहा है, अब देखते हैं। मैं दोबारा से पिंग की ट्रैफिक जनरेट करता हूं, ओके है जी। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे आइजा कैंप ऐसे, देखिए जी डेस्टिनेशन इसके साथ इस सोर्स का जो लिंक है वो अप हो चुका है।
अब ये स्टेट में क्यूएम आइडल अगर है तो परफेक्ट है सब कुछ, इसके अलावा कुछ आया ना तो गड़बड़ है और आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, आइडल बेस्ट। चलिए फिर हम चेक करें अगर आईपी सेक ऐसे में, ये अगर आप देखेंगे इधर इनकैप्सुलेटेड पैकेट इनक्रिप्टेड, मतलब अभी ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो रही है आपकी, ठीक है। चलो जी, और उसके बाद दोबारा अगर मैं एक और बार कर लूँ पिंग आपकी, है ना, कुछ और पैकेट भेज दूँ, और पैकेट भेज दो, और पैकेट भेज दो, फिर अगर आप चेक करो ये वाला, आप देखिए कितने पैकेट हो चुके हैं, 19 19। एरर क्यों दिखा रहा है, एक हो सकता है शायद हमारा जो शुरू का आर्क वाला फेल हुआ था ना उसको ये एरर दिखा रहा होगा, ठीक है। एनीवे दिस इज हाउ यू विल चेक द यू नो और हाउ यू वेरीफाई योर टनल्स आर अप एंड वर्किंग और नॉट, सेम यू कैन चेक ऑन हियर, लेट्स से आईपीसेक ऐसे, तो सेम थिंग, ओके। तो आई होप अभी आपको आईपीसेक वीपीएन साइड टू साइड जो वीपीएन है, वीपीएन प्लस आईपीसेक वीपीएन, ये सारी बातें हो चुकी है क्रिस्टल क्लियर। 11-12 वीडियो हो गई होंगी, है ना, तो ये सारी मैं आपको दे रहा हूँ थियरी आप रेफरेंस के लिए, वैसे तो उसमें लिखा भी हुआ है बट एनीवे। और आपको पता है कि ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो एज अ हेल्प टू द चैनल, एज अ सपोर्ट टू आर एफर्ट्स, यू नो जो हम करते रहते हैं दिन रात लाने का ये अच्छे से अच्छा कंटेंट इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट एंड ऑल, तो यू नो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, संडेज सैटरडेज लेट नाइट्स अर्ली मॉर्निंग, सो या ओके ठीक है, यू नो दैट ऑलरेडी, है ना। तो यू कैन मेल मी और या कमेंट कर सकते हैं आप ये कैसे खरीदना है ये यू नो पैकेज एंड ऑल, CCNA CCNP बेसिक मास्टरी कोर्स एंड एडवांस मास्टरी कोर्स, इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन के मटेरियल है, एग्जाम प्रिपरेशन मटेरियल है, एवरीथिंग। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अज्यूमिंग कि आप GNS3 या EVNG या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना रियल टाइम सिमुलेशन, सॉरी इमुलेशन सॉफ्टवेयर, अगर आप सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं जैसे पैकेट ट्रेसर पे, तो उसमें आई गेस आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया, आप देख लेना, अगर वीपीएन की ये ना चले है ना कमांड्स वगैरह, तो ये कमांड चला लेना, उसके बाद वीपीएन का जो मॉड्यूल है जो वर्जन है iOS वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके ऊपर और फिर ये काम करने लगेगा, ठीक है। वेरीफाई कैसे, शो वर्जन में जाके ना उसमें सिक्योरिटी K9 करके एक वो आता है फीचर, वो डिसेबल मिलेगा, ये कमांड चला दोगे, रिलोड कर दोगे सेव करके, वहां पे लिखा आ जाएगा इनेबल हो जाएगा, तो फिर आप यूज कर सकते, दैट्स इट आई गेस। तो अगली एक छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट सी वीडियो रखेंगे, उसमें हमने अभी तक जितना किया है आईपीसेक वीपीएन का 2-4-5 मिनट में रिवाइज करेंगे। अभी इस वीडियो को थोड़ा यही विराम दे लेते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कॉन्फिगरेशन स्टेप्स वाले, ताकि वो फ्रेश एंड फाइन दिमाग में अभी रहे हमारे। चलिए मिलता हूँ आपसे आईपीसेक वीपीएन की लास्ट एंड फाइनल वीडियो विच विल बी द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।